मेरे साथ तो नहीं, इस चेयर के साथ। ये जो चेयर है, इसके साथ जो एपिसोड हुआ था, इस टाइप के केसेस मैंने बहुत फेस किए हैं। मुझे अपने केसेस की फिक्र नहीं है। मेरी बीवी के साथ, मेरी छोटी बेटियों के साथ, मेरी छोटी बहू के साथ घर में घुस के उनको 7.5 घंटे यर्गमाल बनाया है गन पॉइंट पे। मेरे घर की चीजें तोड़ी हैं उन्होंने, वार्डरोब्स तोड़े हैं उन्होंने, ड्रॉर्स निकाले हैं उन्होंने, पता नहीं क्या क्या सर्च किया है वहाँ। 7.5 आवर्स थ्रेटन माई वाइफ, माई चिल्ड्रन, स्मॉल चिल्ड्रन। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई गैरतमंद आदमी ये बर्दाश्त करेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे अरेस्ट किया वो भी आपने देखा। मेरे बाप दादा की यहाँ सर्विस है। जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था तो खून से रेजोल्यूशन पे साइन किया था। एंड रिकॉर्ड इज देयर इन द असेंबली, द वर्ल्ड नोज। तो जिस तरीके से उनका बिहेवियर था मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये होता है, ऐसी चीजें करते हैं लोग। लेकिन किसी की बीवी बच्चों के साथ घर में घुस के 7.5 घंटे उनको बंद करके, उनसे ब्लैंक पेपर पे गन पॉइंट पे सिग्नेचर लेके उनको गालियां दी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आज मैं अपने बच्चों को यहां लाता ना, आप सब रो पड़ते। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, सबके साथ ये हो सकता है। आपने पार्लियामेंटेरियंस को क्या दिखाया है कि हम स्पीकर का ये हशर कर सकते हैं, उसके खानदान का, उसके बच्चों का भी ये हशर कर सकते हैं। माई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, ऑल दी टैक्सेस पेड, सारी मेरी फैमिली के मैंने जमा कराए उनको। दे सेड दे विल कॉल मी टू द ऑफिस, दे नेवर कॉल्ड मी। आई एम नॉट अ क्रिमिनल कि मैं भागूंगा। भाई मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो फेस करने, हमारी तो लीडरशिप ने सिखाया है कि कानून के खिलाफ हम नहीं जाते। लेकिन मेरे अरेस्ट होने के बाद मेरे घर में घुसना, ये कोई रिवायत जो है अच्छी नहीं है। I come from a tribe called Durrani. Probably those people don't know Durranis. Anyway, हमने सियासत करनी है। कुछ यहाँ बैठे हुए दोस्त भी हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोला। अपनी बीवी बच्चों को भी देखो कि कल को अगर तुम्हारे साथ ये हो, what will you do? You call this new Pakistan? ये नया पाकिस्तान? मुत्तहिदा के मेरे पुराने दोस्त हैं मोहम्मद हुसैन साहब, आप लोगों ने भी असेंबलियां देखी हैं, कभी इस तरह का कुछ होता है कि आपके घर में कोई घुस के आपकी बेटियों के साथ, आपके बच्चों के साथ बदतमीजी करें, गालियां दें, गन्स निकालें? इतने हिम्मत वाले थे तो मैं जब होता आते ना, आगा सराज के सामने आते तो उनको पता चलता कि किसके घर गए। मेरे अरेस्ट होने के बाद आपको वारंट भी नहीं था कि सर्च वारंट आप घर की सर्च करेंगे, कोई वारंट नहीं था। अंदर से दरवाजे बंद करके मेरे नौकरों को लॉकअप कर दिया, फिर जाके मेरी बीवी बच्चों को लॉकअप किया, फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी अंदर 7.5 घंटे गन्स के साथ। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आई एम गोइंग टू फेस द केस, जो भी केस है मैं उसको फेस करूंगा। आई एम स्टिल स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली, मैं कॉन्विक्ट नहीं हूं। आई एम नॉट द कॉन्विक्ट, आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, आई हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ थिंग्स विच आई हैव नॉट डन। सो ऐसी गलत बातें ना करें, गलत प्रेसिडेंट ना बनाएं। जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज ऑल आई हैव टू से। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, उनको गुजारिश करूँगा कि काइंडली आप इंक्वायरी करें इन ऑफिसर्स के बारे में कि कौन थे, क्या थे। एंड काइंडली आई वांट रिपोर्ट इन दिस असेंबली, हु वर दे एंड व्हाई डिड दे गो टू माय हाउस एंड व्हाई डिड दे थ्रेटन माय चिल्ड्रंस। मुझे और किसी चीज़ का अफसोस नहीं है, मैं दो चीज़ों का अफसोस है। एक इस चेयर का, मैं अपने बच्चे भी इस चेयर पे कुर्बान करूं, मैं अपने आप को भी कुर्बान करूं। चीफ मिनिस्टर साहब आप इसको जरा सीरियसली लें, क्योंकि दिस इज नॉट ऑन। क्योंकि ऐसा होगा तो फिर पता नहीं क्या होगा। हमें क्या है यार, क्या करेंगे आप? फांसी पे चढ़ाएंगे, फांसी पे चढ़ा दें। हमारे बड़ों ने बड़ी कुर्बानी दी, हमारे लीडर फांसियों पर चढ़ गए, हमारे लीडर शहीद हो गए। हम उनके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब का जानिसार हूं।